फिलहाल मुनाफे में भी है, स्टॉक में 190 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि और तेजी भी आई थी बीच में स्टॉक में, तो एक बार समझ लेते हैं। अंशु जी क्या सलाह देंगे, जोमेटो में जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 190-199 के आसपास ये स्टॉक आता है, उसके बाद वापस से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो एक काफी अहम रेजिस्टेंस के तौर पर वो लेवल काम कर रहे हैं, तो क्या करें, इन स्तरों पर मुनाफा लेकर निकल जाए स्टॉक से? देखिए पूजा जी, मंथली चार्ट पे अगर मैं जोमेटो देखूं तो 13 महीने की नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस रैली है। जनरली कोई भी स्टॉक 3 से 5 कैंडल्स को रैली करता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन लेता है, लेकिन जोमेटो 13th बार है जहां पे बिना किसी कंसोलिडेशन पुल बैक के ये रैली आती हुई दिख रही है, और अब डेली चार्ट पे यहाँ पे टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि इसमें रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ है और कुछ हद तक ऊपरी स्तर पे सेलिंग आ रही है, बट ये सेलिंग ब्रॉडर अप ट्रेंड में एक पुल बैक की तरह देखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके वापस से 169 से 162 के बीच में मिलता है, तो वहां पे वापस एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ये स्टॉक 290-300 तक जा रहा है, लेकिन चूंकि 13 महीने की रैली हो गई है, 3 से 4 महीने अब कंसोलिडेशन और करेक्शन रहेगा जो 169 से 162 के बीच में आ सकता है, तो वहां पे फ्रेश बाइंग देखनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं।